भिलकती ब्रज को छोड़कर प्रभु गए हैं मथुरा, लेकिन वहां अधीर हृदय ठाकुर की प्रतीक्षा कर रहे। नंद बाबा साथ गए, समझदार गोप साथ गए, उपहार देने के लिए छकड़ों में दूध दही मक्खन भर लिया गया। आप मरुप वन में एक रात्रि रुकेंगे, अक्रूर जी का अमर्ष हृदय से दूर हो जाए। भगवान ने जल में स्नान करते अक्रूर जी को चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, उनको दुख से उभारा और सारी मथुरा प्रतीक्षा कर रही है, तारणहार आएंगे, तारणहार आएंगे, तारणहार आएंगे। भगवान के नाम का सुमिरन चल रहा है कि ठाकुर आएंगे। मूक हृदयों ने, मौन हृदयों ने, आंखों के जल ने, हृदय के नेह ने, स्नेह ने भगवान का मथुरा नगरी में स्वागत किया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। वासुदेव भगवान की नया नाम मिला प्रभु को। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। भगवान के छोटे छोटे सखा संग में थे, तो जब नगरी में पहुंचे, नगरी का वैभव देख के भगवान के सखाओं ने कहा, कन्हैया हम तो ऐसे ही उठकर चले आए, यहाँ तो इस नगर का वैभव देखो, यहाँ यहाँ हमारे वस्त्र भी तो ऐसे ही होने चाहिए। तो एक एक रजक नाम के धोबी जा रहे थे राजपुरुषों के वस्त्र लेके, तो कन्हैया बोले, मामा जी नमस्कार, नमो नारायण, हम आपके रिश्ते में भांजे लगते हैं, आपको पता है, तो जरा ये वस्त्र आप हमें मेरे सखाओं के लिए समर्पित कर दो। तो वो रजक धोबी ने कहा, अच्छा गांव के गवाड़ियों, राजपुरुषों के वस्त्र देख के ही पहनने की लालसा पैदा हो गई, अब ऐसा ऐसा तो व्यवहार कभी कन्हैया के साथ नहीं होता था। तो एक 5 वर्ष का सखा था भगवान के साथ, उसने कहा, काना जरा कान इधर करो, कन्हैया थोड़ा झुक गए, उसने कहा कि इसे दिखा दो पूतना वाले हाथ, बाद में जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। भगवान ने कराघात किया, रजक का शीश धर छोड़ के भाग गया और उसके साथी भी सब अपने वो सोने चांदी की थैलियां, धन की थैलियां छोड़कर भागे। भगवान ने सारे वस्त्र सखाओं को दे दिए, भारी भरकम राजाओं के वस्त्र छोटे छोटे ग्वाल वालों ने पहन लिए, तो सड़क पे झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं, वस्त्र झाड़ू देते जा रहे हैं। एक गुणक नाम के दर्जी ने भगवान के सम्मुख आके हाथ जोड़ लिया, प्रभु आपके वस्त्र आपके अनुरूप बना दूं। देखते ही देखते उसने कैंची से कतरन, वो सारी कतरनों का नीचे ढेर लग गया, अतिरिक्त वस्त्रों को काट के सुई से सिल दिया और गुणक को छू दिया भगवान ने, बस उसकी समाधि लग गई। लोगों ने उसको उसकी दुकान पे पहुंचाया, सारी दुकान की मशीनें और उपकरण सोने चांदी के बन गए, बस बस चांदी, बस बस कैंची और सुई लोहे की रह गई। मान लो भगवान ने गुणक को आशीर्वाद दे दिया हो, जब प्रभु रामावतार में थे ना त्रेता में, तब जब दूल्हा बनकर जनकपुरी गए थे तो भगवान की पोशाक सिलनी थी, तो दर्जी को भेजा गया कि उनका नाप ले लो, पर उन्हें छू नहीं सकते, श्री विग्रह से आँखों से नाप लो। तो उसने कहा, प्रभु आपको छूने को दिल करता है, तो भगवान ने कहा, अभी तो हम ससुराल में हैं, यहाँ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन द्वापर में जब हम मथुरा आएंगे ना, तब आपको अधिकार होगा हमें छू लेने का, हमें बाहों में भर लेने का। इतना आशीर्वाद दिया भगवान ने, और आप देख लो आज तक किसी भी टेलर के पास चले जाओ, वो कहेगा कपड़े रख दो, 2 महीने से पहले नहीं मिलेंगे, मैं बहुत बिजी हूँ। सारे भारत के दर्जी जितने बिजी हैं ना, जितने व्यस्त हैं, भगवान का आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और यहाँ ये हुआ कि सुदामा माली ने फूलों से श्रृंगार किया और फिर सैरंदरी जा रही थी, कुबड़ी कुब्जा कहते थे लोग। भगवान बोले, सुंदरी कहाँ जा रही हो, किसकी हो, कौन हो, क्या करती हो, ये इसको तो भरोसा ही नहीं कि मेरे लिए कोई सुंदरी कह रहा है, सभी तो कुब्जा कुबड़ी कह के उपहास करते हैं, पर इस वाणी में व्यंग नहीं है, इसमें निमंत्रण है, इसमें प्रेम है, इसमें स्नेह है, इसमें स्वागत है, इसमें सम्मान है। और जैसे ही सैरंदरी ने ठाकुर को देखा तो देखती रह गई, प्रभु
मेरे को संसार कुबड़ी कुब्जा कहता है, वैसे सैरंदरी नाम है मेरा, लेकिन आपने कहा मैं क्या करती हूँ, ये अंगराग कंस को लगाती हूँ। आपने कहा मैं किसकी हूँ, नाथ आज तक तो किसी की नहीं थी, बस इसी क्षण से आपकी हो गई हूँ, मुझे स्वीकार करके धन्य कर दीजिए। आपके माथे पे चंदन लगा दो। तो कान्हा बोले कंस से डर नहीं लगता? नहीं प्रभु, हजार कंस भी पैदा हो जाए, आप आ गए ना, तारणहार आ गया है, अब हमें किस बात का डर। और जैसे ही कुबड़ी कुब्जा सैरंदरी ने ठाकुर के चंदन चर्चित करके कुमकुम से मुखा मुखमंडल पे पत्रावली बनाई ना, तो भगवान तो देखे हजार गुना लौटाते हैं। प्रभु बोले सुंदरी थोड़ा तनिक पास आ जाओ। वो पास आई तो भगवान ने उसके पैरों पे चरण रखा, उसकी ठुड्डी को पकड़ के हल्का सा झटका मारा तो उसकी पीठ का वो विद्रूप कुबर अंतर्धान हो गया, वो सर्वांग सुंदरी बन गई, अपने को देख रही है, आनंद में विभोर हो गई है। बड़े बड़े सेठों की स्त्रियां भी खिड़कियों पे खड़ी उस सैरंदरी के भाग्य पर ईर्ष्या कर रही हैं। उसने पल्लू पकड़ लिया प्रभु का, चलो मेरे घर। भगवान मुस्कुरा के आंखों में आंखें डाल के बोले सुंदरी अधीर क्यों होती है, मेरे भक्तों का घर ही, उनका हृदय ही तो मेरा आश्रय स्थल है, मैं तो बिना घोंसले का पंछी हूँ देवी, जब भी बुलाओगी आ जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे ऋण उतारने हैं। भगवान ने धनुष यज्ञ में, जहाँ वो धनुष रखा था उस यज्ञशाला में प्रवेश किया, वो धनुष उठा के, ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था और बता दिया था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तेरा सत्यानाश करेगा, तेरा अंत करेगा। वो धनुष टूटा और उधर कंस के सिंहासन का छत्र टूट के धरती पर गिर गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी है और पूरी पूरी मथुरा गीत गा रही है। अब जो होने वाला है वो अद्भुत होने वाला है। चलो चले, हम भी चलते हैं मथुरा में, भगवान के पीछे पीछे पूरा जन समूह चल रहा है। वासुदेव भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। कुबलिया पीड़ की लीला समाप्त करके शल तोशल मुस्टिक चानूर सभी मल्लों का बद्ध करके भगवान कंस के सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया कंस ने, बाल पकड़े भगवान ने, इतने में ही कंस का हार्ट अटैक हो गया, उसकी राम नाम सत्य हो गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, प्रभु ने कंस का मुकुट उठा के उग्रसेन जी के शीश पर धर दिया, देवकी वसुदेव कारागार से मुक्त हो गए, सारी मथुरा धन्य हो गई। अद्भुत दृश्य है। प्रभु से कहिए, प्रभु हमारी काया की इस मथुरा में आइए, यहाँ भी अहंकार रूपी कंस राज कर रहा है, उसका मान मर्दन कीजिए और हमारी इस देह की मथुरा के हृदय सिंहासन पर आके विराजमान हो जाइए। सच कहते हैं कान्हा मरा नहीं है कंस, द्वापर से 100 गुना हो गया दुर्योधन का वंश, फिर हुआ धर्म पर अधर्म का पलड़ा भारी, आओ चक्र सुदर्शन धारी, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। ये जय जयकार है कि ऊंग रहे हो, सो रहे हो, ऐसे होती है जय? सारा समाज अटा पड़ा है, देखो दूर दूर तक, इतनी जनमेदनी, इतना जन समूह आदरणीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के निमंत्रण को स्वीकार करके उमड़ घुमड़ के सब गोपी ग्वाल ये शक्ति क्षेत्र के इस मंडप में विराजमान है। देवता देख रहे हैं जय जयकार कैसी होनी चाहिए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। ये बात, हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। वाह क्या बात है, क्या बात है। अग्रवाल साहब आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपके सफल आयोजन की बधाई। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।